चल सामने से कम टू मिलिट्री बेस नहीं अभी मजा आएगा ना भिड़ो मिलिट्री बेस आओ ना हेलो रुमैसा रुमैसा रूट पास में पड़ा है तो आवाज बबल हेलो रुमैसा आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया किचन ठीक है रुमैसा आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हेलो रुमैसा रुमैसा मेरी पुचिंकी ने मेरी बात सुनो ना ये मेरी बात सुनो रुमैसा पुचिंकी क्यों मेरी बात सुन लो एक दफा एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना चल सी ये किधर गई है जी तो पब्लिक अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आप सब लोगों का आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो यहाँ तक तो आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया होगा और आप लोगों को पता है कि बहुत ही मज़ा आने वाला है तो यार इनको चैलेंज वगैरह दिया था बट ये बात नहीं थी गाड़ी बट एनीवे हम यहाँ पे ना मिलिट्री बेस में लैंड हुए और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सारी लूट वगैरह करके तैयारी की आगे जाने की जो कि पुचिंकी था हमारा मेन के वहाँ का शायद हॉट ड्रॉप था तो वहाँ पे लोग उतरेंगे और वैसे भी वो बोल भी रही थी ना कि हॉट ड्रॉप पुचिंकी का तो वहाँ पे उतरो तो हमारी यही कोशिश है आसमान की ऊंचाइयों पर बहुत ही ऊंचा दुश्मन चारों तरफ कोरा ही कोरा है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस और ये मैं अरे भाई लैंड कराओ अरे नहीं भाई लैंड करा दो यार आगे दुश्मन है चलो भाई 1 2 3 गो तो बस यहाँ पे पुचिंकी के पास आके हमने जंप कर दिया फिर हम यहाँ पे मतलब लैंड हो गए तो मैं लैंड होने से पहले ना मतलब मुझे ये किल मैसेज यहाँ पे शो हुआ था इसका रुमैसा का ना तो मैंने इनको अपने टीममेट्स को कहा कि है इसी जगह पे कहीं पुचिंकी पे है तो मतलब इनको ढूंढ के मारना ना तो मैं यहाँ पे मतलब स्कोप वगैरह खोल के देख रहा था कि यार ये कहीं पर मुझे सपोर्ट थोड़े बहुत हो कहीं ना कहीं इधर उधर ना इवेंट वगैरह पे बट समझ नहीं थी आ रही ना तो वैसे ही मुझे ना मैं मतलब अभी स्कोप वगैरह खोल ही रहा था तो मुझे हल्की सी हेयरिंग आई ना अपने लेफ्ट साइड से जैसे कोई आ रहा तो मुझे लगा कि बोट है ना ये तो मैंने इसको एक मतलब यहाँ पे इसको स्प्रे दिया तो ये यहाँ पे नॉक हो गया जब मैंने नाम देखा तो ये तो रियल बंदा था और उसी के पीछे मैंने एक और बंदा यूँ आता हुआ देखा और लेटता हुआ देखा ना तो मैंने जब उसको फायर दिया तो ये तो हमारी अपनी रुमैसा थी खैर इनको नॉक वगैरह दिया और तो मेरा पूरा मूड था यार कि इनके साथ ना मतलब टीम अप करेंगे और ये अगर कहेंगे तो मतलब इनको छोड़ देंगे ना तो मैं यहाँ पर मतलब जंप करता हुआ जा रहा था बार बार के यार क्योंकि पता नहीं था कि कितने टीममेट्स हैं इसके कितने नहीं यहाँ पे दो हैं तीन हैं या पूरी टीम ही इधर बैठी हुई है तो जंप करते हुए खैर मैं इसके पास गया और मैंने बंदा लैंड होता हुआ सामने देख लिया तो चांस नहीं था यहाँ पे लेना इसको मैंने अपने कंधे पे उठाया और इसको मैं उठा के जो है वो साइड पे ले गया ताकि मैं इससे बात कर सकूँ ना इसका दूसरा टीममेट भी जो नोके था वो यहाँ पे था तो अभी मैंने उसको मतलब यहाँ पे रखा ही है तो भाई इनका मूड कुछ होता हालांकि मैं इसको कह रहा था यार अपने टीममेट्स को बुला के रिवाइव ले लो ठीक है और ये जानबूझ के मतलब बाहर जा रही थी कि मतलब ये भी बाहर आएगा ओपन में तो मैं मतलब इसको जो है मार देंगे तो खैर ऐसा मेरा इतना मूड था बट जैसे ही मैं इनसे टीम अप कर रहा था तो भाई इनके टीम मेट ने सामने से मुझे फायर दिया हल्की से मुझे लगी ज़्यादा लगी भी नहीं लेकिन जो हमारा जो नंबर थी था भाई इन्होंने फौरन उसको नोक करके और फिनिश मतलब जो है ना कर दिया इनका कोई टीम मेट था खैर गुस्सा तो मुझे यहाँ पर बड़ा आ रहा था बट यह था कि यार मतलब टीम अप मैंने किया तो मतलब मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता था कि मैं ऐसा करूँ बट यह था कि ये फिर मतलब ब्लीड आउट वगैरह हो गए तो जो मेरा एक और टीममेट था वो आगे इनके ऊपर ही था इनकी पूरी टीम जो थी वो उनकी बाकी बंदे आगे थे तो वो मतलब वो मुझे कॉल दे रहा था कि आगे आ जाओ ना तो मैं वो कह रहा था यार मतलब है किस साइड में मुझे थोड़ा सा बता दो एम वगैरह लेके एक नोक निकाल के फिर आगे आते हैं तो बट ये था यहाँ से मुझे कोई इतना ऐसा कोई इतना अच्छा एम मिल नहीं था रहा कि मैं जो है ना उनको सपोर्ट करता और इन पर जो है वो स्प्रे वगैरह देता या इनमें से किसी एक बंदे को नोक करता अब मेरा फुल यही कोशिश थी कि मैं आगे जाऊँ अच्छा जैसे मैं यहाँ से आगे जा रहा था मैंने इसका टीममेट भागता हुआ उस साइड पर देखा और मुझे डाउट हुआ कि शायद इसने ना मतलब रिकॉल किया और वही हुआ जिसका डर था रिकॉल हो के आ गई ये रुमैसा दोबारा स्प्रे दिया मुझे लगा हवा में शायद मैं ले जाऊँगा लेकिन नहीं हुआ तो बढ़िया था कि लैंड होती इनको मैंने उतरते ही मतलब जो है दोबारा नोक कर दिया अब यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि मतलब मेरा जो दूसरा टीममेट था वो भी मतलब नॉक्ड हो गया और नॉक होते ही मतलब ये लोग उसको फिनिश करने लग गए तो खैर
कोशिश मैंने यहाँ पे की कवर फायर देने की, इसका एक ही टीममेट यहाँ पे था इसका मुझे पता ही नहीं था, इसको भी खैर फायर दिया और मतलब नॉकड आउट हो गया। अब मेरी कोशिश थी कि मैं अपने दोनों टीममेट्स को जो है वो रिकॉल करूँ, जिसके लिए मुझे यहाँ से बच के निकलना था, बट ये था इसका मैंने एक जो है वो नॉक फिनिश कर दिया और एक जो रुमैसा थी वो अभी भी नॉक थी कहीं पर, उसका मुझे पता नहीं लगा, बट वो ये थी कि वो यूँ घूम के वो घर के पिछले साइड पे चली गई थी रिवाइव लेने, बट अभी वो काफ़ी दूर थी, उसको रिवाइव नहीं था मिल सकता ना, तो मैं यहाँ से काफ़ी मतलब डर के भी जा रहा था, कुछ कुछ मैं बच के भी जा रहा था कि यार मैंने मतलब रिकॉल करना है और इनसे मतलब फाइट भी अभी लेनी थी, तो मैंने इनके इसके टीमर को देख लिया यूँ बैठा बैठा उस साइड पर कहीं जा रहा था, तो यहाँ पर मैं जल्दी से रिकॉल पर आया और अपने टीम मेट को जो है वो यहाँ से जल्दी से रिकॉल दे के, तो फिर जैसे मेरा टीममेट लैंड हो गया तो हमने इन पे जो है वो थोड़ा सा रश कर दिया। मैं यहाँ से भी मतलब गुजर रहा था तो मतलब मुझे फायर वगैरह आए, दोबारा अंदर से रैंडम रिकॉल रिवाइव हो के आ गई तो दोबारा इनको मतलब नॉक किया, तो इसको फिश असल में करना था हमने, मुझे नहीं था पता कि ये बस सिर्फ दो ही बचे हैं, इनको फिश करना था, बट ये था कि मैं जैसे ही ऊपर गया मुझे फील हुआ नीचे रिवाइव होया जा रहा, तो नीचे आया उनको फिनिश करके तो लोग पूछा कैसे लगी आपको ये गेम प्ले, वॉइस ओवर की या पूरी वीडियो पे, कोशिश की कि पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर किया करूँ, बट वीडियो काफ़ी लंबी भी होती है तो यू नो हार्ड होता है, बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, ठीक है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंशाल्लाह गिव अवे के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 2K सब्सक्राइबर पे इंशाल्लाह गिव अवे है, तो काइंडली अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जल्दी से 2K सब्सक्राइबर का जो है ना वो हमें गोल रीच कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइज़।